गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम स्टोरी वी अफेयर टू डाई के एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दे मैनेज टू थ्रो आउट वाटर फ्रॉम द शिप। उन्होंने उस नाव से पानी बाहर निकालने का प्रबंध कैसे किया था? आंसर, इस प्रश्न का आंसर पार्ट फोर के क्वेश्चन वन के सेकंड में बताया गया है। आप इसे पार्ट फोर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ रफ वेदर। खराब मौसम का पहला जो संकेत था वह क्या था? आंसर, ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटेड स्ट्रॉन्ग विंड्स। केप टाउन के बाहर दूसरे दिन उनका जो सामना तेज हवाओं से हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द गेल्स ब्लो कंटिन्यूसली। अगले कुछ हफ्तों तक जो आंधी थी, गेल्स थी, वह लगातार चलती रही। द गेल्स डिड नॉट बरी द नैरेटर बट द साइट्स ऑफ द वेव्स वेयर डिस्टर्बिंग। लेखक को उस आंधी की चिंता नहीं थी किंतु लहरों का जो आकार था वह उसे परेशान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट और डील अबेटेड देम ऑन 2 जनवरी। 2 जनवरी को उन्हें किस परीक्षा से या किस परीक्षा का इंतजार था? आंसर, ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी द वेव्स बिकम ह्यूज। 2 जनवरी की सुबह लहरें जो थीं वह बड़ा आकार ले चुकी थीं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही नाव प्रत्येक लहर के ऊपर चलती, दे कुड सी द वास्ट सी रोलिंग टूवर्ड्स देम। जैसे ही नाव प्रत्येक लहर के शीर्ष पर, टॉप पर पहुंचती थी, वे विशाल समुद्र को अपनी ओर लुढ़कता हुआ देख सकते थे। द विंड सीम्ड टू बी हॉलिंग, हवा गरजती प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंड ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी। 2 जनवरी की शाम को क्या हुआ? आंसर, ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी देयर वाज ए फुल बिफोर द स्टॉर्म। 2 जनवरी की शाम तूफान से पहले की खामोशी थी। एज द स्काई ग्रे डार्क दे हेर्ड ए ग्रोइंग रोर एंड सा ए मैसिव क्लाउड राइजिंग एट द रियर ऑफ द शिप। जैसे जैसे आकाश में अंधेरा होता गया, उन्होंने एक बढ़ते हुए शोर को सुना और जहाज के, उस नाव के पीछे एक विशाल बादल को एक विशाल बादल की गर्जना को
सुना और देखा। टू देयर डिसमय इट वॉज ए ह्यूज बे ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट ऑफ अदर बे विथ ए फेयरसम ब्रेकिंग टॉप। उनकी जो निराशा के लिए यह एक विशाल लहर थी जो अन्य लहरों की ऊंचाई से लगभग दो गुनी अधिक थी, जिसमें एक डरावना शीर्ष था, टॉप था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंड व्हेन दे ट्राई टू राइड ओवर द वेव। क्या हुआ जब उन्होंने लहर पर चलने का प्रयास किया। आंसर, व्हेन दे ट्राई टू राइड ओवर द वेव देयर वॉज ए लाउड ब्लास्ट डेट सूक द डेक। जब उन्होंने वेव के ऊपर, लहर के ऊपर चलने का प्रयास किया तो वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा डेक हिल गया। वाटर गश्ड ओवर द शिप, द नैरेटर्स हैड हिट द व्हील एंड ही वाज थ्रोन ओवरबोर्ड इनटू द वाटर। पानी नाव के अंदर घुस गया था, चला गया था। लेखक का जो सिर था वह पहिए से टकरा गया और वह पानी में नाव के ऊपर गिर गया था, या कह सकते हैं फेंक दिया था। ही एक्सेप्टेड हिज इम्पेंडिंग डेथ एंड व्हाइल ही वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस ही फेल्ट पीसफुल। उसने अपनी आसान्न मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वह अपने होश खो रहा था और वह एक शांति सी महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आफ्टर द वाटर लेवल रिसेडेड व्हाट वाज देयर नेक्स्ट कंसर्न। जल स्तर घटने के बाद उनकी अगली चिंता क्या थी। व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू, उन्होंने क्या करने का फैसला किया था। आंसर, हैविंग सर्वाइव्ड 15 आवर्स सिंस द वेव हिट द नैरेटर चेक्ड द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वेयर टू स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट। लहर के टकराने के 15 घंटे के बाद लेखक ने चार्ट को देखा और उसकी जांच एवं गणना की कि पूर्व में कुछ किलोमीटर की, कुछ सैकड़ों किलो, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम इज इले एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम इले एम्स्टर्डम है। Knowing wave walker would not hold for much longer, they aimed to reach the Iceland. यह जानते हुए कि वेव वॉकर अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी, उन्होंने द्वीप तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। Next, why did the narrator feel that he was not द बेस्ट कैप्टन। व्हाट वाज द सरप्राइज इन स्टोरी फॉर हिम। लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वह एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान नहीं है। उसके लिए इस कहानी में क्या आश्चर्यजनक था। आंसर, When John called him,
द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन द नरेटर वॉज डिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग एबल टू लोकेट द आइसलैंड सो ही रिफ्यूज द स्टेटमेंट. जब जॉन ने कहा था उन्हें कि आप दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हैं और सबसे अच्छे पिता हैं, तो लेखक द्वीप का पता लगाने में सक्षम नहीं होने के कारण निराश हो गया था. इसलिए उसने इस स्टेटमेंट को, इस कथन का खंडन कर दिया. द ट्रथ वॉज डेट द आइसलैंड वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम. और सच तो यह था कि जो आइसलैंड वो खोज रहे थे वह उनके बिल्कुल सामने ही था. नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हाई डिड द नरेटर फील डेट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड. लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वह सबसे सुंदर द्वीप है. आंसर. द नरेटर सा इले एम्स्टर्डम. जब नरेटर ने इले एम्स्टर्डम को देखा, इट वॉज एन अनवेलकमिंग पीस ऑफ बेलकॉनिक रॉक. यह ज्वालामुखीय चट्टान का एक अनाक्षुक टुकड़ा था. विथ लिटिल वेजिटेशन बट टू देम इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हेल्ड फॉर देम द होप फॉर देयर सर्वाइवल. इसमें थोड़ी सी वनस्पति थी लेकिन उनके लिए यह दुनिया का सबसे प्यारा द्वीप था, खूबसूरत द्वीप था, क्योंकि उनके लिए जीवित रहने का यही एक होप थी, जीवित रहने की यही एक आशा थी. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.